अर्जुन वो भी कहां पर है? हाँ वो एक्चुअली सॉरी उसी का फोन है। हाँ ओवी कैसी हो? मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं किया। पूर्वी का फोन आया था, उसने बताया कि आई कोमा से बाहर है। आई को फोन दो। हाँ आई। हाँ ओवी। हेलो आई। हाँ ओवी कैसी है तू और कहाँ है तू? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ओवी तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तू इस तरह रो क्यों रही है? आई इतने दिनों बाद तेरी आवाज सुनी ना, ले ऐसी कैसी है तू? तो रोने वाली क्या बात है, अब मैं ठीक हो गई हूँ ना। तू जब चाहे मुझसे मिल सकती, तू जब चाहे मेरे साथ रह सकती है। अच्छा अब एक बात बता, तू कहाँ है? तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पूर्वी तुम इतनी जल्दी आ गई, तुम्हारी आई की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अब अच्छा हुआ मिस्टी तुम सही वक्त पर आ गई, हम लोग शाम को डिनर पर जाने का सोच रहे थे। एक्चुअली मुझे ऑनर से कुछ बात करनी है, तो इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ मुझे क्या हर्ज हो सकता है, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं बाहर ठहरती हूँ। ऑनर मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कम से कम एक बार चल के आई को देख लीजिए, ऑनर अब तो आई कोमा से भी बाहर आ गई। मिस्टी मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है और मैं उनको कोई शिकायत को कोई मौका देना नहीं चाहता हूँ। तुम जाती हो मैं रोज सुबह सुबह निकल जाता हूँ और रात रात तक वहाँ बैठे रहता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता आने का, मैं क्या करूँ? ऑनर मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये बात बोल रहे हैं। आप तो हमेशा से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे और फिर अपने बारे में सोचते थे। मिस्टी स्टॉप इट नाउ, क्या हर बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मुझे अभी? ऑनर आप ऐसे ऐसे क्यों हो गए? कितने बदल गए आप जानते हैं? पहले तो हर एक बात मुझसे शेयर किया करते थे, हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज मुझे बताते थे, लेकिन अब आप कोई बात बताना जरूरी नहीं समझते। पता नहीं आपका बिहेवियर ऐसे ऐसे अचानक क्यों बदल गया, ये आपके काम की टेंशन की वजह से या फिर किसी और? ओके दैट्स इट नाउ, और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी। पूर्वी तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू आर परफेक्टली फाइन मिसेस देशमुख, और आपका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर गौरी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई कैसा है तू? मैं अच्छी हूँ सोहम, तू कैसा है? हम ठीक है आई, ये देख आई हम तोरा ले काला है रस का बक्सा, वो क्या कहते हैं जुश जुश। सोहम ये डॉक्टर गौरी है, डॉक्टर गौरी ये मेरा बेटा है सोहम। हेलो मिस्टर सोहम, नाइस मीटिंग यू, आई एम डॉक्टर गौरी। जयराम जी की डॉक्टर जी, बहुत खुशी हुई तोरा से मिलके। अच्छा सोम मुझे एक बात बता कि तू रह कहाँ रहा है आजकल? हम ही शहर में ही रहता है, एक चाल माँ माई के साथ। और तुरे को पता ही वो जो
आई एम सॉरी बट आपको बाहर जाना होगा, आपकी आई के आराम का वक्त हो गया है। चलते हैं आई, तो ख्याल रख ठीक है, इको पी लेना आराम। मिसेस देशमुख आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है, मैं अभी आती हूँ। ए रिया, क्या है? तू होती कौन है हमरे को हमरी आई के कमरे से बाहर निकालने वाली है? और अंदर ड्रामा का कर रही थी तू? अनपढ़ के साथ साथ बहरे भी हो क्या? तमीज से बात कर हमरे से। अब भाई अभी हमरी आई कोमा से बाहर आई है, कोनो बवाल नहीं करना चाहते हम ये। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम्हारी आई के सामने तुमसे तमीज से पेश आ रही थी। मतबल का समझे नहीं हम। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे कि पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी आई को उसके बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 महीने बीत चुके हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हमें जानबूझकर उन्हें सारी अच्छी और बुरी घटनाओं से दूर रखना होगा, क्योंकि कोई भी बुरी घटना उन्हें सदमा पहुंचा सकती है। क्या बात कर रही है? और हमें ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तक कि हम दोनों भी पहली बार मिल रहे हैं। काश ऐसा ही हुआ होता। ए, क्या फुसफुसर कर रही है तू? एनीवेज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी आई के सामने किसी वजह से तुम्हारे सामने तमीज से पेश आ रही थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुमसे तमीज से बात करूं। तो हमरे को भी कोनो शौक नहीं है तोरा से तमीज से बात करने का? अरे देवा, मैं इस लड़के से बात ही क्यों कर रही हूँ? सिरा, कौन बकलोली लोली को डॉक्टरनी का नौकरी पर रख लिया? पूरी बोलो। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? ओवी का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुमने उसे फोन करके आई के बारे में सब कुछ बता दिया। वेल, इसीलिए उसने फोन पे ध्यान रखा कि आई को कुछ पता ना चले। थैंक यू। एनीवेज, आप तुम अकेले आई हो, ऑनर नहीं आया? वो नहीं अर्जुन, वो बहुत बदल गए, उन्होंने पहले मुझसे। I'm sorry. पूर्वी, इट्स ओके, तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम किस दौर से गुजर रही हो, और वो सब कुछ कहीं ना कहीं ऑनर से रिलेटेड है। इनफैक्ट वो किंशु का शालिनी, वो भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऑनर से डीपली रिलेटेड है। तुम्हें कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ, लेकिन शालिनी को ऑनर की कंपनी में जॉब मिल गई है। अब शालिनी हमारे घर से चली जाएगी एंड आई होप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वन मिनट, शालिनी को ऑनर की कंपनी में जॉब मिली है, लेकिन मैंने तो ऑनर से कहा था कि अगर शालिनी को जॉब की जरूरत है तो वो मेरी कंपनी में काम कर सकती है। तुमने ऑनर को ऐसा कहा था? हाँ, लेकिन ऑनर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि शालिनी को किंचुक जी की कंपनी में जॉब मिल गई है। पूर्वी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऑनर पे पहले से ही काफी शक था। ऑनर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।